हे गाइस, हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज शमा। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ आपको लेके चल रही हूँ प्रेस्टीज के शोरूम में। और यहाँ पे हम बाई करने आए हैं एक गैस का चूल्हा, गैस स्टोव। और यहाँ आप देख सकते हैं बहुत सारी वैरायटी यहाँ पर है। प्रेस्टीज के बहुत सारे मॉडल यहाँ पर हैं, अलग अलग कुकर हैं और गैस स्टोव है, इंडक्शन है, पूरे मतलब जितनी भी प्रेस्टीज के प्रोडक्ट्स हैं सारे आज छत के नीचे थे। तो मैंने यहाँ से एक गैस स्टोव बाई किया है जो मैं अभी आपके साथ शेयर करूँगी। मैंने सोचा थोड़ा सा आपको शोरूम भी दिखा दूँ। तो फाइनली ये वाला चूल्हा जो 3 बर्नर का आप देख रहे हैं, ये वाला मुझे ठीक लगा। और इसमें कुछ ख़ास बात है जो आपके साथ मैं अनबॉक्सिंग में शेयर करूँगी। तो ये वाला मैंने बाई किया है और इसके साथ एक मैंने प्रेस्टीज का कुकर भी लिया है। तो ये वाला बाई क्यों किया, ये चल के मैं आपको घर पे अनबॉक्सिंग करूँगी तो बताऊँगी। तो गाइस चलिए मैं इसकी अनबॉक्सिंग करती हूँ। तो आप सबसे पहले देख लीजिए ये प्रेस्टीज स्वच्छ मॉडल जो प्रेस्टीज ने निकाला था। तो स्वच्छ मॉडल बाकी जो इनके गैस स्टोव है उनसे बिल्कुल अलग है। और ये मैंने देखा भी था और कई रिव्यू मैंने इसका पढ़ा भी था। तो ये वाला मेरी माइंड में पहले से सेट था कि ये वाला ही देखेंगे। 3 बर्नर और 4 बर्नर दोनों आता है। आई डोंट थिंक सो कि 2 बर्नर भी आता है कि नहीं आता, मुझे नहीं पता। लेकिन 3 बर्नर एंड 4 बर्नर इसका है तो मैंने 3 बर्नर ले लिया। और क्योंकि चिमनी के हिसाब से ना आपको अपना गैस स्टोव लेना चाहिए, तो चिमनी के नीचे कवर करने के लिए मैंने सोचा कि 4 बर्नर लेंगे तो वो थोड़ा दिक्कत देगा, तो ये 3 बर्नर मैंने ले लिया। और यहाँ से अभी मैं इसकी अनबॉक्सिंग करती हूँ और आपको मैं इसकी क्या ख़ास बात है और क्या सोच के मैंने इसको लिया है तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं पैकेजिंग बहुत अच्छी है इसकी और ये मुझे इसका वारंटी पेपर मिला हुआ है। तो सबसे पहले बता दूँ कि ये जो है इस पर जो ग्लास लगा हुआ है वो 5 साल की वारंटी के साथ मुझे मिला हुआ है कि अगर डैमेज होता है तो वो लोग इसको रिप्लेस करेंगे। तो ये बहुत अच्छी बात थी क्योंकि मैंने बहुत सारे जो है देखे थे गैस स्टोव जिसमें 2 साल की ही मैक्सिमम जो है आपको जो इसका ग्लास है उस पर वारंटी मिल रही थी, तो इसमें 5 साल की है तो ये सही लगा मुझे। साथ ही साथ जो इसका गैस स्टोव की जो थिकनेस है ग्लास की वो 8 mm है। इसके साथ एक लाइटर भी इस पर था, ये भी प्रेस्टीज का है, तो इसी बॉक्स में ये मिला मुझे। बाकी आप ये देख सकते हैं 3 बर्नर का ये है। तो फटाफट से मैं इसको अनबॉक्सिंग कर लेती हूँ, उसके बाद से मैं इसको आपको दिखाती हूँ। मैंने इसको पूरा अनबॉक्सिंग कर लिया है, धागे वगैरह जो बंधे थे मैंने वो निकाल दिए हैं। अब आपको मैं दिखाती हूँ कि इस वाले जो गैस स्टोव है उसको क्लीन करना कितना आसान है इस मॉडल में। तो आप ऊपर से देख सकते हैं कि यहाँ से आप इसको अप कर सकते हैं, पूरा का पूरा बर्नर आप हटा सकते हैं, बाकी आपको एक फ्लैट सरफेस मिल जाएगा जिससे आप पूरा, जैसे काउंटर टॉप होता है ना क्लीनिंग करने में, उस तरह से आप पूरा इसको क्लीन कर सकते हैं। ये आपके सामने मैंने 3 बर्नर हटा दिए हैं। तो ये सबसे बेस्ट पार्ट मुझे इसका ये लगा है। और बाकी जो ग्लास की जो थिकनेस है वो तो मुझे अच्छी लगी ही लगी है और इसका लुक भी बहुत अच्छा है। लेकिन सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि सारा का सारा जो आपका बर्नर है वो आप ऊपर उठा दें,
और उठाने के बाद आप इसको बहुत अच्छे से क्लीन कर लें, तो ये पूरा का पूरा आपका जो रोज़ रोज़ का झंझट होता है ना कि गैस स्टॉप की वजह से जो काउंटर हमारा ख़राब हो जाता है, नीचे की तरफ दूध या चाय या कुछ भी गिर जाता है, उसको क्लीन हमें नहीं करना पड़ेगा। और ये जो ऊपर उठा देंगे तो ये पूरा एक टॉप की तरह हो जाएगा और आपको बहुत ईजी हो जाएगा इसको क्लीन करना। तो मुझे ये वाला इसीलिए पसंद आया था क्योंकि इसमें क्लीनिंग करना बहुत आसान था, और इसीलिए इन्होंने शायद प्रेस्टीज स्वच्छ इसका नाम रखा है कि बहुत आराम से आप इसको क्लीन कर सकते हैं। मॉडल नंबर आप देख रहे हैं, बाकी मैंने अमेज़ॉन पर भी इसको सर्च किया था, फ्लिपकार्ट पर भी ये है, मॉडल नंबर बॉक्स पर है, आप वहाँ से देख करके अगर आपको पसंद आता है तो आप इसको वहाँ से बाय कर सकते हैं। बाकी एकदम स्लिम है ये गैस स्टॉप, आगे यहाँ पे आप नॉब भी इसका देख सकते हैं। मैं साइड से थोड़ा और आपको दिखाऊंगी ताकि आपको समझ में आ जाए। तो आगे की तरफ ये जो है वो यहाँ पे आपको स्टील दिखेगा, और क्वालिटी बहुत अच्छी है, मतलब आप मैं तो नहीं उठा पा रही थी इसको, इतना ये हैवी है। साइड में आप देख सकते हैं ऑरेंज के साथ, मैं इधर साइड में कैमरा लेकर आई हूँ, ऑरेंज के साथ ये ब्लैक का कॉम्बिनेशन है। और यहाँ पे इसके लेग देख सकते हैं, लेग इतने ऊंचे हैं कि आप आराम से हाथ डाल कर के डेली अपना काउंटर भी क्लीन कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा है कि ये लेग थोड़ा सा ऊपर तक दिया हुआ है, और यहाँ पे ऑरेंज कलर की ये पट्टी है जिससे इसको और भी अच्छा और खूबसूरत ये बना रहा है। तो मुझे ये ब्लैक एंड ऑरेंज का कॉम्बिनेशन पसंद आया। पीछे की तरफ ले चलती हूँ जहाँ से आपको पाइप कनेक्ट करना है। तो ये रहा इसका, बीच में नहीं दिया है, थोड़ा सा जैसे होता है ना कि बीच में है कि साइड में है, ये थोड़ी दिक्कत होती है, तो थोड़ा साइड में है ये, बीचों बीच में नहीं है, और ये 180 डिग्री पे मूव करेगा, तो आराम से आप गैस पाइप को इसमें लगा सकते हैं। मैंने सब चीज़ें देखी थी, उसके बाद से ही मैंने इसको बाय किया था। और पाइप अगर आपको नीचे से ले जाना है तो भी आप ले जा सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया इसका लेग थोड़ा ऊपर है, तो पाइप आप गैस टॉप के नीचे से भी लेके आ सकते हैं। तो ये मुझे बहुत पसंद आया। बाकी प्राइस की बात करूँ तो 8000 समथिंग का, क्योंकि हम लोगों ने इसमें के साथ एक जो है कुकर भी बाई किया है, तो दोनों को मिला के ही मुझे उन्होंने रेट बताया था जो भी बिल था, तो 8000 समथिंग ही इसका प्राइस होगा। बाकी आप उस पर एक बार देख चेक कर लें अमेज़ॉन पर। और इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन है आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आंसर करने की कोशिश करूँगी। तो गाइस ज़रूर बताइएगा ये गैस स्टॉप आपको कैसा लगा, अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो भी मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, बाय।